अगर आप सिटी के एरिया में चल रहे हैं और आपकी स्पीड कोई 30-40 से ऊपर नहीं जा रही, यानी आप दूसरे और तीसरे गियर में चल रहे हैं, और अगर आपको रुकने की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप सबसे पहले क्या क्लच प्रेस करेंगे या पहले ब्रेक प्रेस करेंगे उसके बाद आप क्लच को इस्तेमाल करेंगे? तो बेसिकली जब आप सिटी के एरिया में होते हैं, स्लो स्पीड पे होते हैं, तो आप रुकना पड़ता है, तो सबसे पहले आप क्लच को प्रेस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक। आपकी गाड़ी जब रुक जाती है उसके बाद आप गियर शिफ्ट और उसके बाद आप हैंड ब्रेक। और इन केस अगर आप शहर के सिटी के एरिया में नहीं हैं, आप हाईवे या मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं और आपकी स्पीड 80-90-100 के करीब है, और आपको अगर वहाँ पे रुकना पड़ता है, अभी जिस तरह मैं चल रहा हूँ, अभी मैं तीसरे गियर में चल रहा हूँ, तो अभी उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बूस्टअप हो जाएगी, तो फिर मैं अभी पाँचवें गियर में आऊँगा। पाँचवें गियर में तीसरे से मैं डायरेक्ट पाँचवें गियर में आऊँगा, ठीक है। पाँचवें गियर में जब आके मेरी स्पीड आ जाएगी तकरीबन, ये मैं पाँचवें गियर में आ रहा हूँ, ये मेरी स्पीड आ जाएगी तकरीबन कोई 90-100 के करीब। अभी आप देखें, ये गाड़ी की स्पीड मेरी हो गई है 90-100 के करीब, ठीक है। तो अभी अगर मुझे रुकना पड़ता है, ब्रेक मारनी पड़ती है, तो फिर ये उलट हो जाएगा। पहले मैं ब्रेक को प्रेस करूँगा, ठीक है। ये देखें, मुझे अभी रुकना पड़ रहा है, ब्रेक को प्रेस किया, जब गाड़ी सर्टेन स्पीड पे आ गई, कम हो गई, फिर मैं क्लच को यूज़ किया, उसके बाद गियर मैंने शिफ्ट कर दिया न्यूट्रल पे, फिर मैंने हैंड ब्रेक को यूज़ कर लिया। अच्छा, हैंड ब्रेक यूज़ करने के बाद आप अगर कहीं रुके हैं तो ये हैज़र्ड्स ऑन कर दे, यानी मोटरवे पे या हाईवे पे आप हार्ड शोल्डर पे रुकते हैं तो आपने ये हैज़र्ड्स लाजमी ऑन करने हैं, ताकि अगली गाड़ी को, पिछली गाड़ी को, तमाम गाड़ियाँ जो आपको क्रॉस कर रही हैं, उनको पता चले कि भाई ये गाड़ी खड़ी है, इसके साथ कोई मसला है, तो ये आपने लाजमी ऑन कर लेने हैं।